हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्प पर। तो दोस्तों, आपके काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि हमारा एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आखिरकार कब तक आएगा और हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और आंसर की कब तक आएगी ये भी आपका डाउट आ रहा था, हालांकि मैंने बता दिया आंसर की कब आएगी। रिजल्ट के रिगार्डिंग आपका पूछ रहा था, तो मैं फिर बता रहा हूँ कि जब रिजल्ट आएगा तो उसके विद इन अ मंथ या एक मंथ से भी कम समय में आपका मेंस एग्जाम जो है ले लिया जाएगा, जब जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट कब तक आएगा मैं आपको चलिए बता दूँ, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बाउंड्री पे मार्क्स हैं, ठीक है, तो बिल्कुल आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। आंसर के आने के बाद आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट का वेट मत करिएगा, मेंस में लग जाइए, क्योंकि बाद में काफ़ी कम समय आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं, ऑफिशियल तरीके से जानेंगे कि कब आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये बताने से पहले दोस्तों बता दूँ, मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो डाल रखा है चैनल पर, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना, या इस वीडियो के एंड होते ही आपको डिस्प्ले पर शो हो जाएगा, तो वहां से क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं दोस्तों, आपका रिजल्ट कब आएगा, एसएससी रिजल्ट कब आएगा, साथ ही साथ आंसर की डेट क्या हो सकती है। सबसे पहले आंसर की डेट बता दूं कि आंसर की डेट क्या हो सकती है। देखिए, यहाँ पर एक हफ्ते के अंदर आंसर की आई थी, किसकी, सीएचएसएल की, 7 दिन के अंदर अंदर आई थी, ठीक है। 11 को पेपर था तो 18 को आंसर की आई थी आपकी, 11 को मतलब एंड था आपका, 26 को एंड है, 26 से अगर लगाएंगे आप 7 दिन तो 3 अक्टूबर को आपको आपका जो आंसर की है वो देखने को मिलना चाहिए। हालांकि यहाँ पर 1 सितंबर 1 अक्टूबर को भी आपको देखने को मिल सकता है, और 2 को इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि 2 को है आपकी गांधी जयंती, ठीक है। 1 को काफ़ी कम चांसेस हैं, बट 3 को डेफिनेटली आपको हर हर हालत में आपका जो आंसर की है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आंसर की जो डेट रहेगी वो 3 अक्टूबर रहेगी। चलिए रिजल्ट के बारे में आपको बता देता हूँ, ऑफिशियल माध्यम से आपको बताता हूँ। ये है आपकी एसएससी की वेबसाइट, ठीक है, यहाँ पर आप जाएंगे, मैंने ये डाउनलोड कर रखा है। ये क्या है मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो आपका सीपीओ, एसएससी सीपीओ का जो एग्जाम हुआ था उसके रिगार्डिंग ये डाटा है, जिसका एग्जाम हुआ था 27/6 से लेकर 29/6, ठीक है। तो लास्ट कब हुआ था, ये फिनिश 29/6 यानी 29 जून को। और ये नोटिस कब निकलता है रिजल्ट का, तो यहाँ पर ये रिजल्ट का नोटिस है, ठीक है। रिजल्ट जो है पब्लिश किया गया था, देखिए डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, तो ये कब आया था मैं चलिए आपको नीचे दिखा देता हूँ नीचे जाके, ठीक है। देखिए ये जो पीडीएफ आपकी कब आई थी मैं उस दिन दिखाता हूँ, देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा कब आई ये पीडीएफ, 2/9/2024 को, यानी कि 29/6 से 2/9, यानी कि आप 29/7 आई होगी, 29/8 आई होगी, ठीक है। और उसके भी यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 दिन बाद, ठीक है, यानी कि 30, 31 और 1 और फिर 2, ठीक है, यानी कि 29 तारीख के भी 3 दिन बाद आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिला था, यानी कि 2 मंथ से भी ज्यादा का समय यहाँ पर लगा था किसके, एसएससी सीपीओ के रिजल्ट में। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसी तरीके से आपका एसएससी का भी रिजल्ट आया था सीएचएसएल वाला, तो सीएचएसएल वाले का सिनेरियो देख लेते हैं कि सीएचएसएल वाले में क्या सिनेरियो आपको देखने को मिला था, ठीक है। सबसे पहले तो आपको डेट दिखा देता हूँ कि किस डेट में एग्जाम था, तो 1 जुलाई से लेकर 11 जुलाई, यानी 11 जुलाई लास्ट डेट थी। लास्ट डेट से किस डेट में आपका जो रिजल्ट आया चलिए देख लेते हैं, नीचे इसका पीडीएफ का डेट देख लेते हैं कब आपको ये पीडीएफ यहाँ पर जारी की गई थी, ठीक है। देखिए 6/9/2024, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 जुलाई को एग्जाम हुआ था, यहाँ से आपका 11 अगस्त हो गया, इसके बाद 11 सितंबर होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हुआ है 2 महीने से 5 दिन पहले, ठीक है, 2 मंथ से 5 दिन पहले आ गया। तो मोटा मोटा अगर एवरेज लगाएं कि 2 मंथ तो एसएससी ले रहा है, ठीक है, चाहे वो सीएचएसएल हो चाहे सीपीओ, इवन सीपीओ में तो केवल 2 ही दिन एग्जाम था, ठीक है, 2 ही दिन एग्जाम था, यहाँ पर भी केवल 7 डेज एग्जाम था सीएचएसएल में, और आपका यहाँ पर जो एसएससी की आपकी 36 शिफ्ट हुई है सीजीएल में, तो इसका तो पेपर काफी लंबा चला है, फिर भी हम जो अंदाजे लगाएंगे वो 2 मंथ को एवरेज देख के ही मान सकते हैं, ठीक है, 2 मंथ के बाद ही आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए कब मिलेगा रिजल्ट मैं आपको लिए चलता हूँ आपकी पीपीटी पर, ठीक है, चलिए पीपीटी पर हम चलते हैं। देखिए कब आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो मैं इसको चालू कर देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ से अगर हम बात करें कि कब आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपका एग्जाम जो फिनिश हुआ था वो 26 सितंबर को, यहाँ से 2 मंथ लगाएंगे तो 26 अक्टूबर और 26 नवंबर, तो कहीं ना कहीं जो नवंबर का लास्ट वीक है, ठीक है, लास्ट वीक जो नवंबर का है, या फिर जो दिसंबर का फर्स्ट वीक है, ठीक है, दिसंबर के फर्स्ट वीक, यहाँ पर आपको आपका जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा, और दिसंबर के ही मंथ में आपका जो एग्जाम है मेंस का वो ले लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शायद 18 नवंबर को आपका सीएचएसएल का मेंस एग्जाम है, ठीक है, ठीक है, सीएचएसएल का मेंस एग्जाम है, जो कि सितंबर में रिजल्ट आया फिर भी नवंबर में एग्जाम, 2 मंथ दे दिए, फिर भी एसएससी ज़्यादा नहीं कीजिएगा, वो मेन्स आपका जो है दिसंबर में करा लेगा, ठीक है। तो ये रहेगी पूरी अपडेट, मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, ठीक है, बाकी ये वीडियो देख लेना,
और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट में बताइए आपके कितने अटेम्प्ट हो रहे थे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।